हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक ऑटोकैड की बहुत प्यारी ट्रिक के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिक क्या है पहले उसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। मान लो मेरे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर में है, किसी की लाइन विड्थ कितनी है, किसी का लेंथ कितनी है, सर्कल है, कोई लाइन है, रेक्टेंगल है या आपकी पॉली लाइन है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी येल्लो ऑब्जेक्ट है सारे सिलेक्ट हो जाए। कोई ऐसी कमांड है ही नहीं कि जितने भी येल्लो ऑब्जेक्ट है सारे सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर जितने भी ग्रीन ऑब्जेक्ट है सारे सिलेक्ट हो जाए, या 300 लेंथ की जितनी भी लाइन है वो सारी सिलेक्ट हो जाए। तो ऐसी कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत सी प्यारी कमांड है, वो है क्विक सिलेक्शन टूल। यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यूटिलिटीज पे जाके क्विक सिलेक्शन टूल, या फिर आप यहाँ पे क्यू सिलेक्शन के नाम से अगर आप क्यू सिलेक्ट करोगे तो भी आप इसे क्विक सिलेक्शन टूल आप यहां पे यूज कर सकते हो। अब इस क्विक सिलेक्शन टूल से हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं वो हम यहां पे आज देखने वाले हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अब यहां पे सबसे पहले आता है अप्लाई टू एंटायर ड्राइंग, एक ही ऑप्शन है यहां पे क्योंकि अभी तक आपने कोई सिलेक्शन नहीं किया है। या फिर अगर आप यहां से क्लिक करते हो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, मान लो इतने ही ऑब्जेक्ट में से आपको फिल्टर करना है या सिलेक्ट करना है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एंटायर ड्राइंग या फिर करंट सिलेक्शन। तो दोनों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट ड्राइंग्स में से आपको सिलेक्ट करना है या पर्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम्स में से आपको कोई चीजें सिलेक्ट करनी है। तो मैं इसे एंटायर ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। अब एंटायर ड्राइंग के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे लाइन पॉलीलाइन सर्कल, सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, लाइन सर्कल पॉलीलाइन या फिर रोटेटेड डायमेंशन, हर एक चीज जो भी आपके ड्राइंग में होगी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। अगर आप मल्टीपल पे क्लिक करोगे तो वो सबसे वो सिलेक्ट करेगा। मान लो आपने मल्टीपल पे क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में जाके आपने कलर को चूज किया और आपने यहाँ पे ऑपरेटर पे लिखा कि कलर इक्वल टू वैल्यू आपने येलो कर दिया, और अगर आप अब ओके करते हो तो जितने भी येलो कलर के ऑब्जेक्ट हैं आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं मूव करके दिखाऊं तो जितने भी येलो कलर के ऑब्जेक्ट है देखो आपके सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। क्लियर है, अंडू किया दोबारा से। अब दोबारा क्विक सिलेक्शन पे जाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये तो हो गया इसके, मान लो मैं ओनली सर्कल चाहता हूं येलो कलर के सिलेक्ट करना, तो मैं यहां पे सर्कल पे क्लिक करूंगा और यहां पे मैंने कलर किया येलो एंड ओके, तो ओनली जो येलो कलर के सर्कल्स थे वो आपके सिलेक्ट हुए। क्लियर है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू कलर कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है जैसे आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जिसकी लाइन वेट 0.30 mm हो वो सिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे देख पा रहे हो इसकी लाइन वेट है 0.50, इसकी लाइन वेट है यहाँ पे देखो 0.50, इसकी लाइन वेट है 0.50, ये 0.50, अब ये सारे 0.50 है और ये 0.30 mm है, और इसको मैं सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ 0.50 यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ जितने भी 0.50 mm की थिकनेस के हो वो सारे सिलेक्ट हो जाए। दोबारा क्विक सिलेक्शन पे जाओ, यहां पे जाओ मल्टीपल और यहां पे कर दो आप लाइन वेट, और यहां पे जाओ इक्वल टू वैल्यू 0.50, ओके करोगे तो जितने भी 50 वाले थे सारे सिलेक्ट हो गए और 0.53 वाला था वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर ओनली लाइंस में से अगर आप चाहते हो तो आप यहां पे चूज कर सकते हो कि ओनली लाइन में से जितने की भी लाइन वेट यहाँ पे 0.50 हो वो सिलेक्ट हो जाए, ओके, तो 0.50 वाली लाइन वेट के आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिन लाइन की लेंथ 300 हो वो सारी लाइन सिलेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा लाइन और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ और यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू 300 एंड मैं कर दूंगा ओके, तो जितने भी 300 लाइन की लेंथ थी वो सारी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, आप इक्वल टू यूज कर सकते हो या फिर ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू। अगर मैंने कर दिया नॉट इक्वल टू लेंथ, मैंने यहां पे डाली मल्टीपल और लेंथ नॉट इक्वल टू 300, तो जितने भी नॉट इक्वल टू 300 थे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक चीज को चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लेयर लाइन टाइप प्लॉट स्टाइल ट्रांसपेरेंसी हाइपर लिंक के थ्रू, या फिर आप लाइन पे क्लिक करोगे तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंथ अकॉर्डिंग टू एंगल एक्सिस के अकॉर्डिंग थिकनेस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। सर्कल के अंदर इतने सारे ऑप्शन है, एरिया के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर एरिया का आपको सिलेक्ट करना हो, या फिर पॉली लाइन या रोटेटर। अब ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये पॉली लाइन है, तो ये पॉली लाइन के एग्जाम्पल पे आपको यहाँ पे
शो करेगा। तो इस तरीके से आप क्विक सिलेक्शन टूल से आप कंप्लीटली चीजों को इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो जैसे आप बाकी सब चीजों में नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू लेयर अगर आपको सिलेक्ट करना कौन कौन सी लेयर पे है वो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल कमांड है। कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मेरे को पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि राइट क्लिक करो, अगर आप सिलेक्ट सिमिलर करोगे तो लाइन को सिलेक्ट कर देगा, चाहे वो लाइन थिकनेस कितनी हो, लाइन छोटी बड़ी क्यों ना हो। इनमें से भी अगर आपको फिल्टर करना है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल को यहाँ पे यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, जितना हो सके शेयर करें। और चैनल को, जो भी आप नए यूजर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।